मध्य प्रदेश की राजधानी में जल्द ही मेट्रो रेल की सुविधा मिलने वाली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। इस दौरान राज्य के मंत्री जयवर्धन सिंह, मंत्री पीसी शर्मा आदि नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि भोपाल में मेट्रो रेल वर्ष 2023 तक चलाई जानी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भोपाल मेट्रो रेल का नाम भोज मेट्रो होगा। इस परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर मुझे बहुत खुशी हुई है। आज मध्य प्रदेश का एक इतिहास बनने जा रहा है। युवा अवस्था में जब भोपाल आते थे तो यहाँ की झील को देखकर दुख होता था। कालांतर में मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री था, तब इस लोक के रखरखाव के लिए रुपए आवंटित किए थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए मुझे यह अनुभव हुआ कि जब मेट्रो रेल जयपुर में दिल्ली में चल सकती है तो फिर भोपाल में क्यों नहीं आ सकती। उन्होंने भोपाल के मेयर से अपील की कि आप यहाँ के लोगों की मदद कर दिल्ली आए और केंद्र सरकार से मदद की अपील करें। उन्होंने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान ऐसा ही हो कि इसे सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए भोपाल को फैलाने की जरूरत है, इंदौर को भी हमें फैलाना होगा। मेट्रो रेल की परियोजना में सबसे चरण में 27.28 किलोमीटर की रूट तैयार किया जाएगा, जिसमें 2 किलोमीटर का कॉरिडोर निर्मित होगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल की मेट्रो रेल जयपुर जैसी होगी। भोपाल में अभी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27.87 किलोमीटर में 2 कॉरिडोर बनेंगे। एक कॉरिडोर करोन सर्कल से एम्स तक 14.94 किलोमीटर और दूसरा भदभदा चौराहा से रत्नागिरी चौराहा तक 12.88 किलोमीटर का होगा। इसकी कुल लागत 69,041 करोड़ 40 लाख रुपए होगी। प्रोजेक्ट में एलिवेटेड सेक्शन 26.8 किलोमीटर का होगा। इसमें कुल 28 स्टेशन बनेंगे। दूसरी ओर अंडरग्राउंड सेक्शन 1.79 किलोमीटर का होगा, जिसमें 2 स्टेशन बनेंगे। पहला भाग दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।